जैसा कि आपको मालूम ही है कि आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप AOC का बहाली आ चुका है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपको 10th, 12th या ग्रेजुएशन पास है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10th पे भी बहाली आया है, 12th पे भी बहाली आया है और ग्रेजुएशन पे भी बहाली आया है। तो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं कि क्या क्या योग्यता मांगा गया है, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। मैं स्क्रीन पे आकर मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं स्क्रीन पे आकर मैं दिखाता हूँ। जैसा कि मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज्वाइन आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स AOC यूनिट, ठीक है। यहाँ पर 2024 का ये बहाली है। तो बात किया जाए स्टार्ट डेट का, तो स्टार्ट डेट आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। स्टार्ट डेट आप उसमें रखा गया है 2/12/2024 को रखा गया है। लास्ट डेट आपके बात किया जाए तो लास्ट डेट आपका 22/12/2024 को रखा गया है। जैसे कि बात किया जाए फीस का, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि फीस इसमें एक भी रुपया कटने वाला नहीं है। तो ना कि आपका जनरल OBC या EWS या SC ST का फीस एक भी रुपया आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी में बात यह किया जाए कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन मन में डाउट यह रहता है कि एज कितना मांगा गया है। तो इसमें आपका एज कम से कम मांगा गया 18, यानी मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 27 जैसे दिया ही है। यानी पोस्ट वाइज इसमें आपका रूल्स जो है एज में बनाया गया है। पोस्ट का नाम याद किया जाता है, टोटल पोस्ट आप 723 देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैं दिखा सकता हूँ। जो पोस्ट 723 है इसमें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आप पोस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल असिस्टेंट MA का जो है टोटल पोस्ट आपका 19 रहने वाला है। इसमें जो मांगा गया है बैचलर ऑफ डिग्री, यानी बैचलर ऑफ इंडिया में किसी भी डिग्री आप पास किए तो भर सकते हैं। और डिप्लोमा में आपका ये चीज़ आपका होना चाहिए, इंजीनियरिंग चाहे या मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए। एज की बात कर रहे थे तो एज आपको 18 से 27 होना चाहिए। और दूसरी नंबर सबसे पहले बात कर रहे कि फायरमैन का, तो फायरमैन आपका पोस्ट है 247 रखा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th मांगा गया है। एज की बात किया जाए तो एज आपको 18 से 25 इसमें मांगा गया है। ट्रेडमैन मेट का 389 पोस्ट होने वाला है, क्लास 10th पे यह है। इसका एज भी बात किया जाए तो एज आपका 18 से 25 होने वाला है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA का पोस्ट 27 होने वाला है, 10+2 का है। और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपको 35 YPM मांगा गया है, या हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 मांगा गया है। एज की बात किया जाए तो एज आपको 18 से 25 में रखा गया है। सिविल मोटर ड्राइवर की बात किया जाए OG का, तो टोटल पोस्ट इसमें आपको 4 होने वाला है। 10th पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, 2 years का एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइसेंस का होना चाहिए। एज की बात किया जाए 18 से 27 होने वाला है। तो टेली ऑपरेटर Grade 2 का 14 पोस्ट रखा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th मांगा गया है विथ इंग्लिश ए सब्जेक्ट, यानी 10+2 अब जो पास हुए हैं इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आपका अनिवार्य होना चाहिए। हैंडिंग इन PB बोर्ड होना चाहिए। एज की बात किया जाए तो एज आपको 18 से 25 रखा गया है। तो कारपेंटर एज जूनियर का जो कारपेंटर का जो है टोटल पोस्ट 7 होने वाला है। 10th पास विथ ITI सर्टिफिकेट, 3 ईयर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो एज की बात किया जाए 18 से 25 रखा गया है, पेंटर का भी वही रखा गया है। और बारहवा बात लास्ट पोस्ट का, तो लास्ट पोस्ट आपका MTS को होने वाला है। टोटल पोस्ट आपका 11 रखा गया है। क्लास 10th मैट्रिक पास, यानी क्लास 10th केवल पास है, 10वीं पास है, 18 से 25 के उम्र के बीच में है। इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया हूँ, लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होने वाला है। तो इतना ही बात को मैं समाप्त करता हूँ। जो भी मन में डाउट होगा तो मेरे को आप लोग कमेंट में मैसेज कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कैसे किया जाता है। इतना बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।